देखो नशे में आदमी कुछ ना कुछ गलत भी बोलता है। गांव से निकल के गरीब घर का लड़का जब कामयाब हो जाता है तो देखो दुश्मनाई तो हो जाती है, वो कमेंटबाजी करना उसको भारी पड़ रहा है और कुछ नहीं है। नाम बड़ा होने के कारण ये लगा लो अब कोई और देखते जलने वाले तो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। जहर कार उसका कोई मतलब ना उसका। बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ है, वो चाह नहीं रहे कि ये बच्चा कामयाब हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी, और रिपोर्टर जी पे इस बार की जो सबसे हॉट खबर है वो है एल्विश यादव। आप सभी जानते हैं एल्विश यादव कौन है, एक नाम एक फ्रेम बन गया है एल्विश यादव। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी हम उसके गांव में खड़े हैं वजीराबाद के अंदर, ये उसका गांव है, ये इसके यहाँ के लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि एल्विश यादव OTT2 के मेंबर रहे हैं और यहाँ पर गाँव में लगातार बातचीत की जा रही है कि एल्विश यादव पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हैं, नाकार साबित हो रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो टीम काम कर रही है वो सही भी कर रही है या गलत कर रही है। गांव के कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एल्विश यादव जो है वो एक चेहरा बन गया है इंडस्ट्री का, और उस चेहरे पर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगने लाजमी है। इनके गांव के लोगों का कहना है उसको फंसाया जा रहा है, तो क्या कुछ है पूरे मामला उस पर एक बड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई सारे हमारे साथ लोग हैं गाँव के, जिनसे उससे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका, और एल्विश यादव पे जिस तरह से इल्ज़ाम लग रहे हैं, ठीक है, कहा जा रहा है कि वो कहते हैं पार्टीज में सांप का जो है जहर विलम जो है वो कहते ना सप्लाई करता था, या इस तरह के उस वो हर बार इसी तरह की पार्टीज़ में ना कई सारे काम करता नजर आता था, किस तरह से देखते हैं कितना साकार है ये कि उस पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं। भाई मेरा नाम कुलदीप बोरा है और मैं गाँव वजीराबाद से पार्षद रहा हूँ, मुझे 6 साल हो गए पार्षद यहाँ पर, और एल्विश यादव मेरे गाँव का है, मेरा भाई है, और हमने उसको बचपन से देखा है। इस तरीके का उसका ना तो व्यवहार रहा और ना ही उसका कभी इस तरीके के लोगों में बैठना उठना रहा, जब से हम जानते हैं। वो एक अपना यूट्यूबर अपना कंटेंट बनाता था, अपनी मेहनत करता था और बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचा था, बिग बॉस में गया, सभी लोगों ने उसको वोट दी, वो जीत के आया। एक गाँव से निकल के गरीब घर का लड़का जब कामयाब हो जाता है तो देखो दुश्मनाई तो हो जाती है। आप इस चीज़ को खेल में भी देख लो, चाहे किसी भी फील्ड में देख लो, जो कामयाब होता है तो उसकी टांग खींचने वाले आ जाते हैं। ज़्यादा पॉपुलर होने के कारण तो दुश्मनों की फहरिस्त भी बढ़ती चली गई, इसी वजह से आज वो इन चीज़ों को भुगत रहा है। क्या लगता है कि एल्विश यादव एक फ्रेम बन गए हैं, तो क्या उनको कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है? नहीं, मुझे तो यही लगता है, मैं तो अपनी पर्सनल राय रख सकता हूँ, मेरी पर्सनल राय में तो यही कि बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ है, वो चाह नहीं रहे कि ये बच्चा कामयाब हो और ये इस तरीके का इस चीज़ में फील्ड में रह के राज करे, तो उसको फंसाने का काम किया जा रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ गलती मैं एल्विश की ये मानता हूँ कि वो ज़्यादा किसी के बारे में कमेंटबाजी ना करना, वो कमेंटबाजी करना उसको भारी पड़ रहा है और कुछ नहीं है। बड़े घरों को उसकी बातें चुभ गई और उसका आज ये नतीजा उसको मिला। भाई हर बार एल्विश यादव कहीं ना कहीं इस तरह से नजर आता है कि विवादों में गिरा हुआ है। कहा जाता है कि आए दिन लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ की वीडियो वायरल हो जाती है, एफआईआर दर्ज होती है, गुड़गांव में भी हो रही है, दिल्ली में भी, नोएडा में भी, तो कितना सही लगता है कि कहाँ वो शायद कहीं गलत रास्ते पर नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा? देखो हमारा तो ये फील्ड नहीं है, हमें तो इतना ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हमने जहाँ तक उसको देखा सुना तो उसमें जो ये मारपीट का मामला आया था तो उसमें यही था कि उसके माँ बाप के बारे में गलत बातें बोली गई। तो देखो कोई भी बच्चा हुआ खून का पानी थोड़ी होता है, माँ बाप के बारे में कौन सुनेगा, तो इसलिए उसने इस तरीके की हाथापाई हुई। बाकी उसके लिए उनका कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया और थाने में जो मामला विचार दीन है। और भी लोगों से बातचीत करनी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे साथ ताऊ हैं। ताऊ राम राम। ताऊ हम चैनल से हैं और आपसे चाहते हैं कि आप भी बताएं कि आपका गाँव का बच्चा उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप, कि कितना सही है कि एल्विश यादव जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो कितना सही लगता है आपको? झगड़ा सही है और क्या है, इल्ज़ाम वैसे वाहियात लगा रहे हैं और क्या है। तो कहते ना कह रहे हैं कि एल्विश यादव कहते ना मैं पार्टीज में जाता था, सांप का जो जहर होता है वो देने का काम करता है, ऐसा कुछ आप? ना कोई मतलब ना इस चीज़ का, कोई चीज़ का मतलब नहीं है, जहर कार उसका कोई मतलब ना उसका। तो क्या लगता है कि फंसाया जा रहा है एल्विश यादव को? फंसाया जा रहा है वाहियात के लिए और कोई बात नहीं है। क्या आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उस पर विश्वास है कि एल्विश यादव कहते हैं बाइज्जत बरी होकर आ पाएगा? बिल्कुल आएगा, क्या बिल्कुल आएगा। चलिए और भी मौजूदा लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? परविंदर, कैसे देखते हो कि एल्विश यादव पे लगातार जो है इल्ज़ाम लगते रहे हैं और एल्विश यादव एक हस्ती बन गया है, OTT2 का ओनर भी रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि एल्विश यादव जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं? जी देखो हमें तो ऐसे लगता है ये इल्ज़ाम गलत लगाए गए, क्योंकि अब उस अगले को भाई ये जो जहर वगैरह ये बता रहे हैं कि भाई इसमें है,
उसको क्या मतलब, उसको जरूरत ही नहीं है भैया कोई पैसे के लिए हो उसका, पहले बात तो नशे उसे से। हमें तो देखो ऐसा लगता है जो हमारी राय है कि ऐसा कोई उसका है नहीं नशे में। आप गांव में रहे, उसके साथ मिलते उठते बैठते रहे हो, तो क्या लगता है कि कभी आपने देखा कि वो रात को कई बार रात रात को पार्टीज करके आता है, तो कई भाई ऐसा दिखा है कि नशे में यहाँ कहीं कुछ ऊट पटांग हरकतें करता है दिखा हो, या कभी कोई ऐसी बातचीत हुई हो कि शिकायत की हो परिवार में जाकर के आपस में? क्या है जी, देखो गली में वहीं पे रहता है हमारे घर के पास ही एल्विस। हमने आज तक तो देखो ऐसा देखा नहीं कि भाई उसका हमने लगा हो कि भाई आज ये नशा करके आए। देखो नशे में आदमी कुछ ना कुछ गलत भी बोलता है, चल लेकर रंग ढंग बदलता है, ऐसा हमें तो आज तक कुछ विश्वास भी भाई लगा नहीं कि भाई उसने कुछ कर रखा है या कोई वो है। शांति से आता है, शांति से अपने चले जाता है काम पे, घर रहता है, ऐसे कोई वो नहीं। हम बीच में मिले भी हुए हैं जहाँ पे, जैसे घर भी गया तो बहुत तरीके से मतलब रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं। ये तो सब देखो कहने वाली बात। एल्विश को कह रहे हैं कि अब जितने भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कह रहे हैं कि एल्विश एक फ्रेम बन चुका है, नाम बन चुका है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए कई सारी ऐसी हस्तियाँ हैं जो कहा जा सकता है कि जिनका नाम सामने आ रहा है, तो क्या लगता है कि उसको फंसाया जा रहा है क्या? जी देखो क्या है, अब मान लो एक आज के टाइम में उसका नाम बहुत बड़ा हो चुका है, एक टाइम पे उसने मेहनत करता आया है, नाम बड़ा होने के कारण ये लगा लो अब कोई और देखते जलने वाले तो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं देख देख के कि हाँ भाई आज ये उससे भाई ये ऊपर कैसे जा रहा है। चलिए आप गांव के तो इसलिए कहीं ना कहीं आप हमेशा देखते रहेंगे वीडियो, क्या लगता है कि कौन हो सकता है इसके पीछे उसको जलाने? देखो जी इस चीज़ का तो हम कुछ कह नहीं सकते, देखो क्योंकि भाई ये है हम परमानेंट उसके साथ भी नहीं रहते, देखो इस चीज़ का तो हम कैसे कह सकते कि भाई कौन है कौन नहीं है, वो चीज़ तो हमें नहीं पता। चलिए मेरा लास्ट सवाल कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या लगता है उसमें साबित हो पाएगा कि अभी, क्योंकि एल्विश भी कह चुका है कि कहीं ना कहीं हाँ वो पार्टीज में जाता है और इस तरह की चीज़ें करता नज़र आता है, तो क्या लगता है आपको कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें वो इज्जत बरी हो पाएगा? देखो जी पार्टी में जाना तो गुनाह नहीं है, लेकिन वो वाली बात है जो आदमी अगर करता होगा तो वो वाले बात है ऊपर देखता है भगवान अपने आप करेगा जो करेगा, और जो हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा वो पार्टी में जाता है, लेकिन ऐसा उसने आज तक नहीं किया। ये सब है जो इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर सही है तो वो सही ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब शुक्रिया, ये गाँव के लोगों का प्यार है एल्विश यादव के लिए, और एल्विश यादव को लेकर के गाँव की एक अच्छी प्रतिक्रिया यही है कि सबको लगता है कि एल्विश यादव पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। एल्विश यादव वीडियो में भी कुछ बोलते नहीं नज़र आए, उनका कहना था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करेगी वो सही करेगी, अभी उससे बातचीत चल रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आता है वो अभी क्योंकि नज़रबंद किया हुआ है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस यही देखना होगा कि जो गाँव वाले कह रहे हैं कि उसको फंसाया जा रहा है, कौन फंसा रहा है, पूरा क्या कुछ प्रक्रिया जो पुलिस द्वारा जो चलाई जा रही है उसमें क्या कुछ सामने निकल के आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम वजीराबाद से हनु सैनी संवाददाता की रिपोर्ट।